अभी हम देखेंगे राइबोसोम्स, ठीक है। राइबोसोम्स जो होता है एक डेंस स्पेरिकल ग्रेन्यूलर पार्टिकल होता है सेल के अंदर। हम लोग जानते हैं सेल, सेल में न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक है, और बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, और छोटे छोटे गोल गोल ग्रेन्यूलर स्ट्रक्चर पाया जाता है बहुत सारा। राइबोसोम्स साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, सेल के अंदर जितनी भी लिक्विड है उसको क्या बोलेंगे हम, साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड रहता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म दोनों मिलके क्या है, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म में बहुत सारे राइबोसोम पाया जाता है जो कि स्पेरिकल मतलब गोल गोल होता है, ग्रेन्यूलर दानेदार स्ट्रक्चर होता है, डेंस होता है, बहुत सारा पाया जाता है। और उस जगह में पाया जाता है जहाँ की बहुत ज़्यादा एक्टिव, जो मतलब कोई भी जगह जहाँ बहुत ज़्यादा फिजियोलॉजिकली एक्टिव वाले जो जगह रहता है उसी जगह में ज़्यादा से ज़्यादा राइबोसोम पाया जाता है, ठीक है। तो ये जो सेल है, सेल में राइबोसोम्स जो है साइटोप्लाज्म में भी पाया जाता है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो रहता है उसमें भी बहुत सारे दानेदार स्ट्रक्चर लगा हुआ पाया जाता है, वो भी राइबोसोम होता है, ठीक है। राइबोसोम साइटोप्लाज्म में भी पाया जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी पाया जाता है। इसको बोला जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि दानेदार स्ट्रक्चर के कारण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो लेयर है वो रफ हो जाता है, ठीक है। राइबोसोम जो होता है मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेल्स होता है, ठीक है। ज्यादातर यूकेरियोटिक सेल्स के अंदर साइटोप्लाज्म में जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं वो मेम्ब्रेन वाला होता है, ठीक है। लेकिन राइबोसोम्स जो है वो मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेल्स होता है, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन का बना होता है। राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन, आरएनए एंड प्रोटीन, ठीक है। आरएनए मतलब राइबो न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन का बना होता है, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। राइबोसोम्स जो होता है सबसे पहले इसको देखा गया था 1943 में, क्लॉड एक साइंटिस्ट थे, उसने सबसे पहले देखे थे राइबोसोम को, ठीक है। उसने उनका नाम क्या दिए थे, माइक्रोसोम्स। रॉबिन्सन एंड ब्राउन, उसने राइबोसोम को अलग किए थे प्लांट सेल से, ठीक है। रूट सेल ऑफ ब्रॉड बीन, सबसे पहले ब्रॉड बीन जो प्लांट्स होता है उसके रूट सेल से सबसे पहले राइबोसोम को अलग किए थे रॉबिन्सन एंड ब्राउन 1953 में, ठीक है। और एनिमल सेल से सबसे पहले अलग किए थे राइबोसोम को पैलेड 1955 में। राइबोसोम जो टर्म होते हैं वो भी पैलेड ने ही दिए थे, जॉर्ज पैलेड, ठीक है। इसलिए इस को पैलेड ग्रैन्यूल्स भी बोला जाता है, राइबोसोम को पैलेड ग्रैन्यूल्स भी बोला जाता है, ठीक है। और एक बार देख लेते हैं हम लोग, राइबोसोम्स जो होता है सेल के साइटोप्लाज्म में भी पाया जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी पाया जाता है, एक दानेदार स्ट्रक्चर होता है डेंस स्पेरिकल, ठीक है। तो राइबोसोम्स जो होता है मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेल्स होता है, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन का बना होता है। सबसे पहले इसको क्लॉड एक साइंटिस्ट देखे थे, इसका नाम दिए थे माइक्रोसोम्स। रॉबिन्सन एंड ब्राउन ने सबसे पहले प्लांट सेल से राइबोसोम को अलग किए थे, और पैलेट, जॉर्ज पैलेट एक साइंटिस्ट थे जिसने एनिमल सेल से राइबोसोम को अलग किए थे, ठीक है। राइबोसोम नाम भी सबसे पहले पैलेट ने ही दिए थे, इसलिए राइबोसोम को पैलेट ग्रैन्यूल्स बोला जाता है। राइबोसोम्स सभी प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल में भी राइबोसोम पाया जाता है, यूकैरियोटिक सेल में भी राइबोसोम पाया जाता है। केवल मैच्योर आरबीसी वाला जो सेल रहता है उसमें राइबोसोम नहीं पाया जाता, ठीक है। प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक में केवल साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, लेकिन यूकैरियोटिक में बहुत सारे चीजों में पाया जाता है, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसमें राइबोसोम पाया जाता है, साइटोप्लाज्म में राइबोसोम पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम पाया जाता है, प्लास्टिड में पाया जाता है, ठीक है। तो बहुत सारे चीजों में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70S टाइप का होता है, और यूकैरियोटिक राइबोसोम जो होता है 80S टाइप होता है। एस जो होता है इसको बोला जाता है भेडबर्ग्स यूनिट, ठीक है। प्रोकैरियोटिक में 30S और 50S, मतलब राइबोसोम बाद में हम लोग अच्छे से देखेंगे कि दो सब यूनिट्स का बना होता है, एक छोटा सब यूनिट्स एक बड़ा सब यूनिट्स, ठीक है।
छोटा सब यूनिट जो होता है 30S का होता है और बड़ा सब यूनिट 50S, दोनों मिला के 70S। तो S जो होता है इसको बोला जाता है बेड वर्क यूनिट, मतलब डेंसिटी एंड साइज को मेजर किया जाता है उससे, ठीक है। और यूकैरियोटिक राइबोसोम जो होता है वो 80S टाइप होता है, 40S प्लस 60S होता है। राइबोसोम बहुत सारे, मतलब लगभग सभी सेल में पाया जाता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा मात्रा में उस सेल में पाया जाता है जिस जगह फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल में सबसे ज्यादा पाया जाता है, जैसे प्लाज्मा सेल, लीवर सेल, नर्व सेल, मेरिस्टमेटिक सेल, कैंसर सेल, एंडोक्राइन सेल, ये सब सेल में ज्यादा से ज्यादा राइबोसोम पाया जाता है, क्योंकि मेटाबॉलिकली बहुत एक्टिव वाले जो सेल होता है उसी में राइबोसोम की मात्रा ज्यादा होता है, ठीक है। तो राइबोसोम में दो सब यूनिट्स रहता है, कोई भी राइबोसोम हम लोग देखेंगे तो दो सब यूनिट्स का बना होता है, एक छोटा सब यूनिट्स, एक बड़ा सब यूनिट्स, ठीक है, स्मॉलर सब यूनिट्स और एक लार्जर साइज का सब यूनिट्स रहता है। तो ऐसे राइबोसोम दो सब यूनिट्स का बना होता है, लेकिन सेल के साइटोप्लाज्म में राइबोसोम के दोनों सब यूनिट अलग अलग रहते हैं, दोनों सब यूनिट्स अलग अलग सेल के साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, ठीक है। तो मैग्नीशियम जो होता है, मैग्नीशियम प्ले वेरी मच इंपॉर्टेंट रोल इन डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन ऑफ द टू सब यूनिट्स। ये दोनों सब यूनिट्स का अलग होना और दोनों सब यूनिट्स का एक साथ जुड़ना, ये दोनों मैग्नीशियम पर निर्भर करता है, ठीक है। मैग्नीशियम बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसमें प्ले करते हैं, ठीक है। देखो, मैग्नीशियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन जब बहुत ज़्यादा होता है साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में जब मैग्नीशियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है तो दोनों सब यूनिट्स जुड़ जाता है। राइबोसोम के दोनों सब यूनिट जो साइटोप्लाज्म में अलग अलग फ्रीली रहते हैं, ये दोनों जुड़ जाता है मैग्नीशियम का हाई कॉन्सेंट्रेशन होने से। और जब मैग्नीशियम का कॉन्सेंट्रेशन लो हो जाता है तो दोनों सब यूनिट्स अलग हो जाता है, फिर साइटोप्लाज्म में तैरते रहते हैं, ठीक है। तो मैग्नीशियम आयन का बहुत बड़ा रोल होता है राइबोसोम बनाने में और राइबोसोम को अलग करने के लिए, ठीक है। तो राइबो मैग्नीशियम का हाई कॉन्सेंट्रेशन जब रहेगा दोनों सब यूनिट्स आपस में जुड़ जाता है, कॉम्प्लीट राइबोसोम बनाता है। और मैग्नीशियम का लो कॉन्सेंट्रेशन जब हो जाता है उस समय दोनों राइबोसोम ऐसे अलग हो जाता है और साइटोप्लाज्म में रहते हैं, ठीक है। अब देखो, प्रोटीन सिंथेसिस के समय राइबोसोम जो होता है मैसेंजर आरएनए के साथ अटैच रहता है। प्रोटीन सिंथेसिस के समय मैसेंजर आरएनए में राइबोसोम अटैच हो जाता है, ठीक है। और बहुत सारा राइबोसोम मैसेंजर आरएनए में इस टाइप से अटैच रहता है, इसको बोला जाता है पॉली राइबोसोम और पॉलीजोम, ठीक है। जब सिंपल प्रोटीन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में फॉर्म होता है, सिंपल प्रोटीन जब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनता है उसी समय पॉलीजोम बनता है, और पॉलीजोम लंबे से लंबे होते हैं। जैसे पूरे मैसेंजर आरएनए रहता है, इसमें राइबोसोम पूरा जुड़ा हुआ रहता है, जितना ज़्यादा प्रोटीन सिंथेसिस की ज़रूरत है उतना ज़्यादा राइबोसोम जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। राइबोसोम का मेन जो फंक्शन होता है बायोसिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, मैसेंजर आरएनए की हेल्प से प्रोटीन का सिंथेसिस करना राइबोसोम का मेन काम रहता है, ठीक है। इसीलिए राइबोसोम को बोला जाता है फैक्ट्रीज ऑफ प्रोटीन और इंजीनियर्स ऑफ द सेल, ठीक है। इंजीनियर्स ऑफ द सेल, फैक्ट्रीज ऑफ प्रोटीन राइबोसोम को बोला जाता है। दो सब यूनिट्स होता है, दोनों सब यूनिट्स अलग अलग साइटोप्लाज्म में तैरते रहते हैं, और जब मैग्नीशियम की हाई कॉन्सेंट्रेशन रहता है दोनों सब यूनिट्स आपस में जुड़ जाता है, कॉम्प्लीट राइबोसोम बनाता है। मैग्नीशियम का लो कॉन्सेंट्रेशन रहने से दोनों सब यूनिट्स फिर अलग अलग होकर साइटोप्लाज्म में तैरते रहते हैं, ठीक है। और जब प्रोटीन सिंथेसिस होता है तो मैसेंजर आरएनए में राइबोसोम अटैच हो जाता है, इसको बोला जाता है पॉलीराइबोसोम और पॉलीसोम। प्रोटीन सिंथेसिस इसका मेन काम है, इसलिए इसको इंजीनियर्स ऑफ द सेल और फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन बोला जाता है, ठीक है। ये था राइबोसोम। अब हम देखेंगे साइटोस्केलेटन। देखो, साइटोस्केलेटन किसको बोलेंगे हम लोग, ये सेल के अंदर जो सेल है, सेल की जो साइटोप्लाज्म रहते हैं उसमें बहुत सारे पतले पतले फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर पाया जाता है साइटोप्लाज्म में, ठीक है। उन लोगों को एक साथ बोला जाता है साइटोस्केलेटन।
ठीक है, पूरे सेल के जो साइटोप्लाज्म रहता है, लिक्विड जो मटेरियल रहता है, उसमें छोटे छोटे बहुत सारे पतले पतले ट्यूब्यूल्स रहता है जो जाल जैसा स्ट्रक्चर बना के रहते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, साइटोस्केलीटन। ठीक है, तो साइटोस्केलीटन से क्या होता है, साइटोस्केलीटन से क्या होगा, जिस सेल का एक निश्चित शेप रहता है, पूरे पतले पतले बहुत सारे माइक्रो ट्यूब्यूल्स जुड़ा रहेगा, तो सेल का एक निश्चित सेल रहता है, सेल के अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स रहता है उसका फिक्स पोजीशन में रहना होता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया पूरे सेल में घूमते रहते हैं, ऐसा नहीं हो पाता है। साइटोस्केलेटन के कारण सब सेल ऑर्गेनेल्स का एक निश्चित जगह रहता है, उसी जगह रहते हैं। ठीक है, मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं, मोटिलिटी मतलब कोई भी चीज़ों को जो मूवमेंट करना होगा ये भी साइटोस्केलेटन के कारण ही हो पाता है। ठीक है, तो सेलुलोज, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, इसमें जो सेलुलोज का ओरिएंटेशन रहता है उसको भी फिक्स एक जगह रखने के लिए भी साइटोस्केलेटन काम करता है। साइटोस्केलेटन किसको बोलेंगे, पूरे सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म रहता है उसमें पतले पतले बहुत सारे ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर पाया जाता है, पतले पतले, ठीक है, जो कि एक साथ मिलके बोला जाता है उसको साइटोस्केलेटन। केवल यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक में साइटोस्केलेटन नहीं रहता। ठीक है, पूरे पतले पतले प्रोटीनेसियस स्ट्रक्चर जाल जैसा फैला हुआ रहता है, जिससे क्या सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनेल्स है वो अपने जगह में फिक्स रहते हैं, हिलते डुलते नहीं हैं। ठीक है, केवल अपना फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज करते रहते हैं। तो मतलब सभी ऑर्गेनेल्स को फिक्स रखने के लिए, सभी एक निश्चित शेप देने के लिए सेल को सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट देने के लिए और मूवमेंट में हेल्प करने के लिए, सब चीज़ों के लिए साइटोस्केलेटन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो साइटोस्केलेटन में तीन टाइप के प्रोटीन फाइबर्स रहते हैं, इस साइटोस्केलेटन में तीन टाइप के प्रोटीन फाइबर्स रहते हैं, मतलब प्रोटीन से ही बना होता है साइटोस्केलेटन। एक को बोलेंगे माइक्रोटिब्यूल्स, जो कि ट्यूब्यूलिन प्रोटीन का बना होता है, माइक्रोटिब्यूल्स ट्यूब्यूलिन प्रोटीन का बना होता है। दूसरा माइक्रोफिलामेंट, एक्टिन प्रोटीन का बना होता है। इंटरमीडिएट फिलामेंट, जो कि केराटिन एंड अदर टाइप ऑफ प्रोटीन का बना होता है, मतलब पूरे जाल जैसा स्ट्रक्चर जो होता है प्रोटीन का बना होता है। ये बहुत सारे, इसमें बहुत सारे अलग अलग शेप का रहता है, जैसे माइक्रोटिब्यूल वो ट्यूब्यूलिन प्रोटीन का बना होता है, माइक्रोफिलामेंट एक्टिन प्रोटीन का बना होता है, इंटरमीडिएट फिलामेंट जो कि केराटिन एंड अदर टाइप ऑफ प्रोटीन का बना होता है, बहुत सारे प्रोटीन वाले चीज़ों से ये पूरे पतले पतले जाल जैसा फैला हुआ स्ट्रक्चर साइटोप्लाज्म में बनता है। ठीक है, चलो, माइक्रोटिब्यूल्स जो होता है वो हॉलो इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है, अंदर का भाग पूरा खाली रहता है, हॉलो और इनडिफिनाइट लेंथ, मतलब बहुत लंबे लंबे होते हैं। सिलिया फ्लाजिला में भी माइक्रोटिब्यूल्स पाया जाता है और माइक्रोटिब्यूल्स के कारण ही ये मूवमेंट करते हैं। ठीक है, तो इसमें जैसे सेल को हम देखेंगे, सेल डिवीजन के समय ऊपर और नीचे सेंट्रियोल रहता है, सेंट्रियोल से बहुत सारे एस्ट्रल रे निकला हुआ रहता है और अंदर भी स्पिंडल फाइबर्स रहता है। तो स्पिंडल फाइबर्स, एस्ट्रल रे, ये सब चीज़ें जो होते हैं माइक्रोटिब्यूल से ही बना होता है, माइक्रोटिब्यूल से ही बना होता है। ठीक है, तो ये क्रोमोसोम के सेग्रीगेशन में हेल्प करता है। जब सेल डिवीजन होता है तो माइक्रोटिब्यूल्स, एस्ट्रल रे का माइक्रोटिब्यूल्स, स्पिंडल फाइबर्स का माइक्रोटिब्यूल्स, ये क्रोमोसोम के सेग्रीगेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, माइक्रोटिब्यूल, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट, ये तीनों चीज़ों से रेटिकुलेट जाल जैसा स्ट्रक्चर बनता है। माइक्रोटिब्यूल हॉलो, सिलेंड्रिकल, लंबे लंबे होते हैं, सेल डिवीजन के समय जो एस्ट्रल रे रहते हैं और जो स्पिंडल फाइबर्स रहते हैं इन लोगों, ये भी माइक्रोफिलामेंट्स का बना होता है, क्रोमोसोम के सेग्रीगेशन में हेल्प करता है। ठीक है, माइक्रोफिलामेंट, ये भी पतले पतले लंबे लंबे सॉलिड सिलेंड्रिकल नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये सेल डिवीजन के समय क्लीवेज का क्लीवेज में हेल्प करते हैं, सेल डिवीजन के समय क्लीवेज में हेल्प करते हैं। इंटरमीडिएट फिलामेंट, इस टाइप से साइटोस्केलेटन बहुत सारे प्रोटीन वाले स्ट्रक्चर से बना होता है, पतले जाल जैसा पूरे साइटोप्लाज्म में फैले रहते हैं, उसको एक शेप देते हैं। ठीक है, सिलिया फ्लैजेला,
देखो सिलिया फ्लैजिला जो होता है माइक्रोटिब्यूल्स से बना होता है, हम लोग माइक्रोटिब्यूल्स में पढ़े हैं जो कि लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, हम लोग देखे हैं बहुत सारी चीज़ों में, हम लोग देखे हैं कि सिलिया इस टाइप का होता है, जो सेल है इसके चारों ओर पतले छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है और बहुत ज़्यादा मात्रा में सिलिया पाया जाता है जो कि लोकोमोशन में हेल्प करता है। ठीक है, और फ्लैजिला क्या होता है, बड़ा स्ट्रक्चर होता है, बड़ा लंबा सा स्ट्रक्चर होता है और ये भी मूवमेंट में हेल्प करता है लेकिन इसकी मात्रा कम रहता है, कम संख्या में ही रहता है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल में भी फ्लैजिला सिलिया पाया जाता है, यूकैरियोटिक में भी सिलिया फ्लैजिला पाया जाता है लेकिन प्रोकैरियोटिक में सिलिया फ्लैजिला का स्ट्रक्चर और यूकैरियोटिक में सिलिया फ्लैजिला का स्ट्रक्चर थोड़ा अलग होता है। ठीक है, सिलिया जो होता है सभी बहुत सारे प्रोटोजोआ, सिलिएटेड प्रोटोजोआ रहता है, जैसे पैरामीशियम, पैरामीशियम इस टाइप का होता है, पूरे चारों तरफ सिलिया पाया जाता है जो कि मूवमेंट में हेल्प करता है, मूवमेंट में फूड मटेरियल कलेक्ट करके खाने में, ऐसे बहुत सारे चीज़ों में हेल्प करता है। ठीक है, पैरामीशियम, वॉर्टिसेला, फ्लेम सेल ऑफ फ्लैट वर्म, विंड पाइप, फेलोपियन ट्यूब, किडनी नेफ्रॉन्स, ये सब जो होता है इसमें सिलिया पाया जाता है, सिलिया प्रेजेंट रहता है। ठीक है, और फ्लैजिला पाया जाता है बहुत सारे प्रोटोजोअन जैसे यूग्लिना, ट्राइकोनिम्फा, गैस्ट्रोडर्मल सेल, स्पर्मेटोजोआ ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स के स्पर्मेटोजोआ में, लोअर प्लांट जैसे एल्गी, इसके जूस्पोर्स में। ठीक है, एल्गी के जूस्पोर्स में हम लोग देखे हैं दो लंबे लंबे फ्लैजिला पाया जाता है। ठीक है, और क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास के स्ट्रक्चर में भी हम लोग देखे हैं दो लंबे लंबे फ्लैजिला पाया जाता है जो कि बेसल बॉडी से बनता है। ऐसे बहुत सारे चीज़ों में फ्लैजिला एंड सिलिया पाया जाता है जो कि लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो पूरी तरह से रेड एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी और एंजियोस्पर्म में फ्लैजिला सिलिया एब्सेंट रहते हैं। रेड एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी और एंजियोस्पर्म, इसमें सिलिया एंड फ्लैजिला एब्सेंट रहते हैं। ठीक है, सिलिया फ्लैजिला जो होता है साइटोप्लाज्म में, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में बेसल बॉडी रहता है, इस टाइप की बेसल बॉडी प्रेजेंट रहता है, उससे सिलिया और फ्लैजिला बनता है। ठीक है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में बेसल बॉडी पाया जाता है जिसमें सिलिया और फ्लैजिला बनता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जब अच्छे से हम सिलिया और फ्लैजिला को देखेंगे तो हमको ऐसा दिखता है कि बाहर दो लेयर पाया जाता है, बाहर डबल लेयर मेम्ब्रेन पाया जाता है जिसको बोला जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसके अंदर लिक्विड भरा रहता है। बाहर के दो लेयर जिसको हम बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके अंदर लिक्विड भरा रहता है। ठीक है, और अंदर बहुत सारे माइक्रोटिब्यूल्स पाया जाता है, लंबे लंबे माइक्रोटिब्यूल्स, सेंटर में भी माइक्रोटिब्यूल्स पाया जाता है और पेरीफेरी में भी माइक्रोटिब्यूल्स पाया जाता है। ठीक है, पेरीफेरी में माइक्रोटिब्यूल्स 9 होता है, 9 माइक्रोटिब्यूल्स पाया जाता है और सेंटर में 2 माइक्रोटिब्यूल्स पाया जाता है। ठीक है, देखो सेंटर वाला जो माइक्रोटिब्यूल्स होता है उसको बोला जाए, इस ये देखने से हम लोग को अच्छे से पता चलेगा। ठीक है, इसका सेक्शन किया गया, टीएस किया गया, सेंटर में 2 माइक्रोटिब्यूल्स पाया जाता है, दोनों आपस में ब्रिज द्वारा जुड़ा हुआ रहता है, दोनों आपस में जुड़ा हुआ रहता है। और ये दोनों माइक्रोटिब्यूल्स जो होता है लंबे लंबे पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये सब गोल गोल स्ट्रक्चर, मतलब लंबे लंबे पाइप लाइक स्ट्रक्चर है ये। ठीक है, 9 पेरिफेरल माइक्रोटिब्यूल्स, 9 पेरिफेरल माइक्रोटिब्यूल्स पाया जाता है और बीच में 2 सेंट्रल माइक्रोटिब्यूल्स का पाया जाता है। ठीक है, ये दोनों आपस में जुड़ा हुआ होता है, हर माइक्रोटिब्यूल्स आपस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, इसको काटने से, टीएस काटने से ऐसा दिखेगा। 9.2 एरे में पाया जाता है, मतलब ये पूरे 9 माइक्रोटिब्यूल्स रहता है और बीच में 2 माइक्रोटिब्यूल्स रहता है, दोनों आपस में ब्रिज द्वारा जुड़ा हुआ रहता है। और ये दोनों जो है सेंट्रल टिब्यूल्स जो होता है इसके बाहर सीथ पाया जाता है, जिसको हम बोलेंगे सेंट्रल सीथ, सेंट्रल सीथ पाया जाता है। ठीक है, और ये देखो जो पेरिफेरल माइक्रोटिब्यूल्स फाइब्रिल्स रहता है, दो दो एक साथ रहता है। ठीक है, हर जो फाइब्रिल रहता है दो दो एक साथ, दो फाइब्रिल एक साथ पाया जाता है, इसलिए इस टाइप का है। ठीक है, और दोनों से एक स्ट्रक्चर निकला हुआ रहता है जिसको बोला जाता है रेडियल स्पोक, रेडियल स्पोक। ये रेडियल स्पोक जो होता है, इस जो सेंट्रल माइक्रोफाइब्रिल रहता है इसके चारों ओर जो सीथ पाया जाता है उससे जुड़ा हुआ रहता है, सबका दो दो जो फाइब्रिल रहता है उसका एक फाइबर इसके साथ, सीथ के साथ
जुड़ा हुआ रहता है सबका, ठीक है। इसको हम बोलेंगे लिंकर्स, मतलब इस टाइप से पूरे एक दूसरे से जुड़। सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि सबसे बाहर दो लेयर पाया जाता है जिसको हम बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उस दो लेयर के बीच में मैट्रिक्स पाया जाता है, लिक्विड भरा हुआ रहता है। अब इसके अंदर बहुत सारे माइक्रोफाइबिल्स लंबे लंबे पाए जाते हैं, जो किनारे किनारे माइक्रोफाइबिल्स रहते हैं उसका संख्या होता है 9, तो उसको हम बोलेंगे पेरिफेरल माइक्रोफाइबिल्स, ठीक है। और जो बीच में रहता है उसका संख्या होता है 2, उसको बोलेंगे सेंट्रल माइक्रोफाइबिल्स। सब एक साथ आपस में जुड़ा हुआ रहता है, बेसल बॉडी, बेसल बॉडी से निकला हुआ है पूरी स्ट्रक्चर, ठीक है। तो बीच में जो दो माइक्रोफाइबिल्स रहते हैं वो भी आपस में जुड़ा हुआ रहता है, 9 माइक्रोफाइबिल्स आपस में जुड़ा हुआ रहता है। सबसे एक स्ट्रक्चर निकलता है जिसको हम क्या बोलेंगे, रेडियल स्पोक, ठीक है। और बीच के जो दो माइक्रोफाइबिल्स का स्ट्रक्चर, माइक्रोट्यूब्यूल्स का स्ट्रक्चर रहता है, वो शीत के द्वारा आपस में ढका हुआ रहता है। और उस शीत के साथ रेडियल स्पोक जो सब माइक्रोफाइबिल्स से निकला हुआ है पेरिफेरल का, वो जुड़ा हुआ रहता है। इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है सिलिया एंड फ्लैजेला का, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में स्टडी करने से, ठीक है। इस टाइप से सिलिया, फ्लैजेला, राइबोसोम्स एंड साइटोस्केलेटन जो है कॉम्प्लीट होता है।